एक मिनट, ऐसा नहीं है सारी बड़ी एज वाली आपके फैन है, हमारी उम्र के भी आपके फैन है, मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। बहुत बड़ा फैन हूँ और आपके लिए गाना लिख के लाया हूँ, आपकी इजाजत हो तो सुनाना चाहूंगा। क्यों लिखा आपने गाना? बाकी राइटर ठीक नहीं सर, आपके लिए, आपके लिए। अच्छा यस सर, इतने फ्री हैं आप? यस सर, हम दोनों के लिए गाने लिख रहा है यार। सुना सकता हूँ सर? हाँ जी, क्या करते हैं आप, गाने लिखते हैं? सर लिरिक्स राइटर हूँ सर। लिरिक्स राइटर? यस सर। क्या फिल्मों में लिखते हैं? यस सर, मेरी दो एल्बम आ चुकी है सर। अच्छा, अरे वाह, कौन कौन सी? सर एक हिंदी की भजन की आई है। अच्छा, मेरा काना झूले झूला। अच्छा, और एक सर शिवजी की आई थी। मतलब दोनों धार्मिक एल्बम आपकी? यस सर। तो ये रोमांटिक पहली बार लिखा आपने भगवत गीता? यस सर जी। पिट्टू, अपनी मुझे इन तीनों से कुछ लेना देना, तेरा फुफा मैंने सिलेक्ट कर लिया। सर आप के अंदर एक इतना सादापन है कि भुआ ने एक ही बार डांस करने को आप मान भी गए। शायद आपकी इसी सादगी के लोग दीवाने हैं और आपके कुछ दीवाने यहाँ पे भी मौजूद हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं। आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए, ये लोग एक एक करके आपसे बातें करेंगे। जी सबसे पहले कौन आ रहा है? हेलो कपिल। हेलो जी, मेरा आज सवाल है मनोज जी से। मनोज जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भोजपुरी फिल्म में अगर आप बॉलीवुड की कोई फिल्म हीरोइन को फिल्म साइन करेंगे तो किसको साइन करना पसंद करेंगे? पहले तो देखूंगा कि प्रोड्यूसर बजट देता है कि नहीं उसके लिए। और अगर उसने बजट दिया तो बिपाशा बसु को। मनोज जी, ऐसा बिपाशा है क्यों? एक्चुअली बिपाशा का हमारे क्षेत्र में बहुत क्रेज है, मैं सच बताऊं। क्षेत्र में क्रेज है कि आपके अंदर ही क्रेज है? पूरा क्षेत्र ही में दीपिका, कतरीना या प्रियंका वगैरह, उसमें से कोई और नहीं पसंद करेंगे आप? नहीं, फिर मल्लिका शेरावत। तो आप ये जो पूछ रहे हैं कि कतरीना या दीपिका, तो आपका इतना कहना मानती है, आपके कहने पे आ जाएंगी? ऑप्शन तो ऐसे दे रहे जैसे बहुत बड़े प्रोड्यूसर है, तो किसके साथ आप करना चाहेंगे? शुक्रिया सर, बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा आपने, धन्यवाद। और कौन हमारे भाई? जी 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 मैम। हेलो कपिल जी, हेलो जी, कैसे हैं? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बड़े फैन है आपके। शुक्रिया शुक्रिया जी। हम ऑरलैंडो यूएसए से हैं। क्या बात कर रही हैं आप, इंटरनेशनल ऑडियंस? यस, इंटरनेशनल ऑडियंस। तो आप पूरा इंडियन शॉल वॉल लेके बैठे, मुझे लगा भोपाल से आई है। ऑरलैंडो यूएसए। जी मैम, क्या क्या नाम बताया आपने? तेजल। जी तेजल पटेल। तेजल पटेल जी। और मैं आज पूछना चाहती हूँ हमारे गेस्ट से जी, कि वो यूपी बिहार से है जी, और वहाँ की एक डिश मैंने सुनी है, लिट्टी चोखा। तो कोई बनाते हैं खाना घर पे, या किसी को कोई मेरे को रेसिपी दे सकते हैं तो मैं घर जाके अपने फैमिली को खिला सकती हूँ? अरे हम लोग का एक गाना है जिसमें बनाने की रेसिपी है। हाँ, वो हो जाए, हो जाए, हो जाए। हाँ, ये गाना काफी फेमस है, आप इसको देख लेंगे पूरी रेसिपी इसके अंदर। आप कैसे, आप पूरी फैमिली के साथ आई मैम? नहीं, मेरी नीस के साथ आई हूँ। अच्छा, नीस के साथ? हाँ। अच्छा, भतीजी के साथ? मुझे लगा नीस के साथ तो सारे आते हैं। बहुत बढ़िया है, चलिए मैम शुक्रिया शो में आने के लिए, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त जी? हेलो जी, आई लव यू। मेरा सवाल तीनों से है जी। आप तीनों भोजपुरी के इतने सुपरस्टार्स हो, हम सब आपको इतना पसंद करते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप तीनों के बीच में कोई राइवलरी डेवलप हुई हो, कि किसी का रोल बहुत ज्यादा प्रेस किया गया हो और किसी का नहीं, कभी ऐसा कुछ हुआ है? यहाँ देखने से नहीं लग रहा है। आपके बीच में तो अभी बहुत प्यार दिख रहा है। ये शो खत्म होने तक है बस प्यार। कुछ दिन पहले हम लोग एक फिल्म कर रहे थे, गंगा जमुना सरस्वती जी, तीनों लोग थे। अच्छा, फाइट मास्टर ने कहा कि रवि जी आएंगे और फाइट स्टार्ट करेंगे, पहला पंच इनको मारेंगे।
तो बोले क्यों मारेंगे ये क्यों मारेंगे मैं क्यों नहीं मारूंगा पहले फिर तो भैया बोले मनोज मैं रवि किशन हूँ बाबा रवि किशन तो मनोज भैया बोले कि अरे तुम रवि किशन हो यार और मैं इस फिल्म में DIG हूँ अच्छा तुम DIG को मारोगे सुबह 9 बजे से 2 बज गया फाइट स्टार्ट नहीं हो रही है प्रोड्यूसर बेचारा सर पे हाथ रख के ऐसा बैठा है मैं बोला एक काम करते हैं ना आप इनको मारेंगे ना ये उनको मारेंगे आप इनको मारिए और मैं बीच में आता हूँ ये घुसा मैं ही खा लेता हूँ कपिल भाई प्यार इसमें क्या है कि प्यार भी बना है और एक दूसरे को जीवित भी रखते हैं ये राइवलरी होनी चाहिए एक हेल्दी राइवलरी जी 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 ये बहुत अच्छा है कि यू नो देन ये भी बेटर करें अपने जीवन में हम भी बेटर करें भिड़े भी रहें एक सम्मान की बातें हो और क्या और सब बढ़िया शुक्रिया आयशा एक खूबसूरत सवाल पूछने के लिए धन्यवाद एक्सक्यूज मी आपकी तारीफ आपने मुझे नहीं पहचाना आप एकदम से सामने से आ गए तो मैं पहचान नहीं पाया सॉरी उसमें आपकी गलती नहीं है क्या कि मुझे सामने से कोई पहचाने ना पहचाने लेकिन पीछे से जरूर पहचान लेता है मशहूर कोरियोग्राफर फरोज खान को नहीं पहचाना है सबसे पहले मैं उन तीन ओ हो तो आप लोग हैं वो भोजपुरी के सुपरस्टार आप लोग ही हैं ना जी एक मिनट मैं कुछ जानना चाहूंगी क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ जी जी प्लीज जी जगह है तो बैठो नहीं मुझे ये बताइए कि क्या आपकी फिल्मों में कोरियोग्राफर नहीं होते हाँ. नहीं लेकिन अगर आपकी फिल्मों में कोरियोग्राफर होते हैं तो मैंने आपकी फिल्म का एक गाना देखा एक मिनट बताइएगा कौन सा कोई हाई वोल्टेज और करंट मारेली हाँ तो करंट मारेली में मैंने आपका स्टेप देखा आप उस गाने में करंट में आपको ऐसे करंट लग रहा है हाँ ऐसे लग रहा है नहीं आपका बाकी का शरीर क्या लकड़ी का है वो मेरी पहली फिल्म थी और मेरा तब तक इतना ही हिलता था यहाँ पर करंट कैसे लग सकता है बाकी के शरीर में फैलाइए करंट को लाइए कैसे 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 नहीं मैं आपको दिखाती हूँ जी मान लीजिए कि आप करंट हैं और आप मुझे लगेंगे देखिए ये करंट लगा कि लखवा मार गया ये क्या मतलब स्टेप हुआ इसमें करंट के साथ साथ डांस का स्टेप भी हो गया हुआ ना चलिए कोई नहीं अब मैं आपको एक ना एक गाना बजाते हैं जी आप जरा आप ओके हैं हाँ मैं तो एक गाना बजाते हैं उस पे आप लोग जरा डांस करके दिखाएंगे मैं देखती हूँ कि आप लोग का कैसा मतलब डांसिंग सही बैठती है या नहीं तो एक गाना हो जाए वोट सिल रही थी आप और मैं बाहर लगाऊंगी तो निकल आएगा ना फेस पे ओके अच्छा आपको लगाना ऐसे ही है धीरे धीरे लिप्स के बाहर नहीं निकलना चाहिए ओके उन्होंने गाने में यूज किया डिस्ट्रिक्ट आप पूरा देश ही ला रही हैं सिखा सकती थी मैंने सिखा दिया और नाच के आपको एंटरटेन भी कर दिया अब आप लोगों की बारी है जी। अब आप कुछ जरा कोई आप में से कोई मुझे एक गाना गाकर सुनाइए जिसे मैं नाच सकूं मुझे भी तो मौका दीजिए ओहो यस यस मनोज बाबू गाएंगे हमारे भोजपुरी के तीनों सुपरस्टार्स के लिए और हमारे शो के सुपरस्टार किकू भाई के लिए वो!